सनातनियों का देश है। इस देश में हमेशा से सनातन परंपराओं का आवाहन निर्वाहन सम्मान किया गया है और उसी परंपराओं का निर्वाहन करते हुए हम लोगों ने हमेशा से आजादी के बाद भी हमारे पूर्वजों ने भी हमने भी शास्त्रों के साथ साथ संविधान का भी सम्मान किया। हम शास्त्रों का भी सम्मान करते हैं, हम संविधान का भी सम्मान करते हैं और संविधान के चलते हुए हम लोगों को भगवान श्री राम का मंदिर मिला है, कोर्ट के माध्यम से मिला। सबसे बड़ा साधुवाद हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देंगे जो सनातनी तो है ही पर उन्हें सनातनी दिखने में भी कोई संकोच नहीं होता। उन्होंने जितना सम्मान सनातनियों का किया है और जो आदर सनातनियों को पहुंचाया है इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यह सम्मान नहीं पहुंचाया और ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं। हम सबको मालूम है 75 साल से हमारे पूर्वज आजादी के बाद भी 500 साल के कलंक को धो रहे हैं हम लोग अभी भी, और इतना सब कुछ आजाद होने के बावजूद भी हमें राम मंदिर नहीं मिला। परंतु अब जाकर हमें राम मंदिर प्राप्त हुआ तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे सनातनी 100 करोड़ सनातनी मोदी जी का आभार धन्यवाद बोलते हैं कहते हैं जिससे उन्होंने सनातनियों के सम्मान को इतना आगे बढ़ाया कि उन्हें राम मंदिर तक प्राप्त करा दिया। ये उसके लिए सारे सनातनी आभार व्यक्त करते हैं। अब हम धर्मगुरु हैं, हमें समाज ने प्रवचन कथा करने का अवसर दिया है तो अगर हम कह रहे हैं तो 100 करोड़ सनातनी सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं, पर ये हमारा ही वक्तव्य नहीं तमाम धर्माचार्यों का ही वक्तव्य है। दूसरी बात, जब राम मंदिर बना सब लोग वहां गए तो कुछ लोगों ने संतों को कथाकारों को प्रवचनकारों को बीजेपी का प्रवक्ता कहा, और प्रवक्ता ही नहीं कहा आजकल की भाषा में कहे तो एजेंट कहा, ये बीजेपी के एजेंट काहे के लिए एजेंट है, हम किस बात के एजेंट है बीजेपी के, किस बात से आप हमको कह रहे हो? हम लोग राम की पूजा करते हैं, हम लोग शिव की पूजा करते हैं, हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर हम राम कृष्ण शिव की पूजा करते हैं और जो हमारे कार्य को आगे बढ़ाएगा हम उसकी बात नहीं कहेंगे, हम किसकी बात कहेंगे? जो पीर पैगंबरों के आगे जाके माथा टेकते हैं उनकी बात करेंगे क्या हम लोग? हम लोग मौल भी नहीं है, हम लोग कथाकार हैं, हम लोग संत हैं, हम लोग महात्मा हैं, हम लोग प्रवचनकार हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम लोग सरकार के बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो अभी तो सरकार ने सिर्फ राम मंदिर ही दिया है, अभी तो सरकार ने सिर्फ राम मंदिर दिया है ना, हम तो 3 की बात करते हैं, मथुरा की और काशी की, तो काशी में भी चिन्ह मिल गए, आओ हमारे साथ। तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर बनवाने में मैं सभी दलों को आप लोगों के चैनलों के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी को और भी जितने भी पार्टी के दल के लोग हैं अध्यक्ष हैं उन सबको मैं एक निमंत्रण देता हूं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कि अब हम 18 फरवरी से 25 फरवरी तक एक बहुत विशाल आयोजन करने जा रहे हैं और वो आयोजन होगा कृष्ण जन्म मुक्ति के लिए, कृष्ण भूमि की मुक्ति हो, काशी में विश्वनाथ का मंदिर बने। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन सभी पार्टियों के लोगों को अध्यक्षों को हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि पंडाल फ्री, पब्लिक फ्री, माइक फ्री, आपको चवन्नी भर नहीं लगानी, आप वहां आइए और अपने विचार व्यक्त कीजिए और आप बताइए कि आप वहां आकर हमारे सनातन धर्म को कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनने के लिए, काशी में विश्वनाथ का मंदिर बनने के लिए और सनातनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए
आप हमारा क्या सहयोग करेंगे। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे काशी विश्वनाथ में, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे बहन बेटियों को बचाने में कि उनकी हत्या ना हो, उनके 36 टुकड़े ना हो, अगर आप इसमें हमारी सहायता करेंगे तो हम भी आपके गीत गाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो राम का काम करेगा हम उसके गीत गाएं। आप कर लो, हम आप और निमंत्रण है, आप सब आए। 18 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक ये आपको अवसर, सभी पार्टियों के लोगों को मेरा खुला निमंत्रण है, जिनके नाम नहीं भी लिए उनके भी, कईयों के मैं नाम लिए, कईयों के मैं नाम नहीं लिए, उन सबको निमंत्रण है कि आप सब पधारे। एक और बात, हमारे आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद क्या हो रहा है, हमारे सनातन को HIV कहा जा रहा है, राम को काल्पनिक कहा जा रहा है, रामायण जलाई जा रही है, हमारे शास्त्रों पर उंगलियां उठाई जा रही है। ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, करने का रीजन क्या है? ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये षड्यंत्र है। और आप चाहते हो हम उनके गीत गाएंगे, आप चाहते हो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, हम नहीं होंगे। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे, हम उसकी बात गाएंगे, हम उसके लिए गाएंगे। आप आइए हमारे साथ, मंदिर बनवाइए कृष्ण भूमि का, हम आपके साथ खड़े होंगे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। दुख की बात है कि सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने में हमें हिचक होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार, हमारे भारतीय जो सनातनियों के मंदिर हैं, सरकार के अंडर किसने किए?